के थाना जमुनापार क्षेत्र में नशेबाजों का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। नशेबाजों ने सुबह तड़के ही युवक के घर पर पथराव किया, जिसमें उसकी एक बेटी व युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं पीड़ित ने बताया है कि उसके आसपास इलाकों में गांजे व अवैध तस्करी का कार्य चलता है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की जा चुकी है। पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र की रिपोर्टिंग। पुलिस चौकी लक्ष्मीनगर क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धार्थनगर कॉलोनी में एक युवक के घर पर सुबह करीबन 7 बजे नशेड़ियों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। ईंट लगने से 9 साल की बच्ची चोटिल हो गई। घटना की जानकारी देते हुए सिद्धार्थनगर निवासी पीड़ित गोपाल सिंह ने बताया कि जमुनापार लक्ष्मीनगर ढहरुआ फाटक के पास सिद्धार्थनगर कॉलोनी में काफी समय से गांजा और स्मैक बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे यहां पर आए दिन नशेबाजों का जमावड़ा लगा रहता है। नशेबाज नशा करके कॉलोनियों में बेवजह घूमते हैं और आए दिन कॉलोनी में से सामान चोरी करके ले जाते हैं, जिसका विरोध किया तो नशेबाजों ने सुबह उसके घर पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देने लगा। उनके द्वारा बरसाई गई ईंटों से उसकी बेटी के सिर में लगी, जिससे वह चोटिल हो गई। जान बचाने के लिए शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर स्थानीय कॉलोनी वासी आए तो उन्हें देखकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। स्थानीय निवासियों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में हो रहे अवैध गांजा व स्मैक बिक्री से यहां पर आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं। नशेबाज मौका पाकर घरों में से चोरी कर ले जाते हैं। कॉलोनियों में खड़े होकर गाली गलौज पर झगड़ा करते हैं, जिसकी पुलिस से शिकायत करते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती, जिससे उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में हो रहे मादक पदार्थ की बिक्री से युवा पीढ़ी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। यदि हम इसका विरोध करते हैं तो नशेबाज मादक पदार्थ बेचने वालों के द्वारा हम पर हमला करा दिया जाता है और डराया धमकाया जाता है, लेकिन पुलिस इसमें कोई कठोर कार्यवाही नहीं करती। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है? तो राधिका जी, क्या मामला है? यहाँ पे क्या घटना हुई है? नशेबाजी निकल जाए, रोज रोज की गुदामबाजी है। साइकिल है, रिक्शा है, गाड़ी है, इन्हें ले आते हैं, झजोड़ते हैं। हम देख रहे थे, हमारे ऊपर हमला करते लड़ते। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इस पे? पुलिस के पास खबर पहुँचे, फोन करे तो वो आते और हमें ढूंढ ढूंढ गांव का चले जाए, कोई मतलब सुनवाई ना है। और कहते हम तो ऐसी करेंगे, तुम तो कराया तो कर लो। कहाँ के रहने वाले हैं नशेबाज? नशेबाज सिद्धार्थनगर कॉलोनी कहेंगे, और सिद्धार्थनगर कॉलोनी में नशे के सामान भी बिकते हैं, सुई वगैरह भी बिकते हैं। नाम है बेटा? बेटा ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? मैं सो के जग के आई थी बाहर, तो ये ईंट से हमारा गेट बजा रहे थे, तो पापा और मैं सब निकल के आए थे, तो जब ही उन्होंने ईंट मार दी। ईंट से लगी है ये तुम्हारे? कौन लोग थे वो? वो इधर ही रहते हैं, हम इनको जानते हैं, और इन्होंने ही मारी थी। क्या नाम है? तो मेरा नाम मुन्ना लाल है सर जी। क्या घटना हुई? मैं विकलांग आदमी हूँ और मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ, और मेरे सामने घटना ये हुई है। सवेरे बहुत तगड़ी लड़की की ईंटें लगी है, गोपाल की ईंटें लगी है, आज समझ में रात में चोरी चक्कर करते हैं, और जो है ये रातों में खटखटाते हैं, कुंडी को डाल दे। कौन लोग हैं ये? अब भाई ये नाम की तो मुझे मालूम नहीं है, खैर वो चोर चकोर है और जो आते हैं रात में और कुंडी खटखटाते हैं, आज समझ में गोपाल की भी चोट लगी है और गोपाल की लड़की की भी चोट लगी है। तो जो ईंट मारी है इनके, किस लिए मारी थी? क्यों इसलिए मारी है कि मतलब रात में उनकी साइकिल चोरी चली गई थी, एक दफे आए थे तो वो छुड़ा के लाए थे, आई समझ गए। तो वो मतलब जो है उस चक्कर में इन्होंने ये घटना और ये करी है यहाँ पर कॉलोनी में, और नशेबाज आदमी है ये, दिन रात नशेबाजी करते और घुसी आते हैं घरों में, और नशे का सामान इनके यहाँ बिकता है, आई समझ में नशा करती है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इस पर? अरे पुलिस को कार्रवाई क्या करेगी, आते बेचारे चले जाते। शिकायत की कोई पुलिस से तुमने? शिकायत की पुलिस से तुमने? कोई तो हो रही है, आपके सामने भी हो रही है, जब भी हो रही है, कई घटना हो चुकी है सर, और मैं बिकला आदमी हूँ सर। क्या नाम है? तो मेरा नाम गोपाल सिंह है। क्या मामला है? ये डेरुआ क्षेत्र में सिद्धार्थनगर कॉलोनी पड़ती है, डेरुआ क्षेत्र में यहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है, और कई दिनों से हमारी गली में यहाँ पर नशेबाज आके बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, जो भी सामान बाहर रहता है उसको उठा ले जाते हैं। कल रात ऐसी घटना हुई, जो हमारे पड़ोसी हैं एक विष्णु और एक इंदल नाम का, वो नशे में धुत थे, तो हमने यहाँ से उनको भगा दिया, बोले तुम घर जाओ। सुबह तड़के ही 6:30 बजे 7 बजे के आसपास उन दोनों भाई
और अपने चार पांच अज्ञात साथियों को लेके और घर पर ईंट बरसाई है जिसमें मेरी लड़की की चोट आई है और मेरे भी हाथ में चोट आई है। यहाँ पर इस क्षेत्र में नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है। माननीय डीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो किस बात के लिए ईंट बरसाई है आपके घर पर? ये लड़के की साइकिल खड़ी थी, परसों की बात है, उस टाइम लड़के की साइकिल उठा के ले जा रहे थे तो हमने इनको भगा दिया यहाँ से। उसी चक्कर में ये दोनों कॉलोनी के हैं, दोनों नशेबाज, उसी चक्कर में आज सुबह आके इन्होंने घर पे ईंट बरसाई है। तो जो नशे का कारोबार होता है कौन सी जगह होता है? ये मोमडन है, कोई नाम तो मुझे नहीं पता, ये डेरवा चौकी के क्षेत्र के पास में ही है। मोमडन नाम की लेडीज है, वो स्मैक और गांजे का बिजनेस कर रही है। यहाँ चारों तरफ लोग इंजेक्शन लेके और गांजे की पुड़िया लेके गली में डोलते रहते हैं, यहाँ का माहौल खराब कर रखा है। तो इस बात की कोई शिकायत की पुलिस से? शिकायत क्या करें साहब, शिकायत पुलिस खुद मिली हुई है इनसे। आप ये बात कैसे कह सकते हैं पुलिस? कई बार इन लोगों को पकड़ के, उस दिन भी हमने पकड़वाया था 8-10 दिन पहले, फिर छोड़ देते हैं, पकड़ ले जाते हैं और छोड़ देते हैं इनको। औरत मिल जाती रास्ता में।